ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये स्केल चेंजर हारमोनियम है और इसमें ज़्यादातर मॉडल्स में स्प्रिंग नहीं लगा होता है, ठीक है, इसको आपको हाथ से चलाना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें स्प्रिंग कैसे लगा सकते हैं, सो दैट चेक इट आउट। पहले तो आप इसको खोल लेंगे, सारे स्क्रूज खोल लेंगे, इसको आपको निकालना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ये है स्प्रिंग जो आपको बेलो में लगानी है, ठीक है। आपको सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं, अगर आप इस तरफ से हारमोनियम को बजाते हैं तो आपको इस तरफ स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरफ से हारमोनियम बजाते हैं, इस तरफ से हारमोनियम बजाते हैं तो आपको इस तरफ स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइड में स्प्रिंग लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से हारमोनियम यूज़ करता हूँ, तो बेसिकली मुझे इस तरफ स्प्रिंग लगाना है, तो मुझे इसको खोलना पड़ेगा और इसको ये स्प्रिंग अंदर डाला, ये अंदर डाला स्प्रिंग। तो हमें देखना है कि ज़्यादा नीचे और ज़्यादा ऊपर ना जाए, ताकि हमें उसका सही डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो मुझे मुझे ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन मिल चुका है और मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दूँगा, बंद कर दूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर एकदम फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अब मैं धारदार चीज़ लूँगा, नुकीली चीज़, जिससे मैं यहाँ पे स्क्रू कर सकूँ, जगह बना सकूँ इसको फिक्स करने के लिए। यहाँ पे मुझे स्क्रू देना पड़ेगा, मेरे पास ये स्क्रू है, ये स्क्रू लिया और ये मैंने इसके मतलब इसको अटकाने के लिए ये ले लिया, ठीक है। तो मैंने चूड़ी इस पर डाल दी और मैं इस पर यहाँ पर स्क्रू अटकाने की कोशिश करूँगा, जो कि ऑलमोस्ट अटक चुका है, एंड देन इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। ये टाइट हो चुका है, अब आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस पे स्प्रिंग लगने की वजह से ये अपने आप और पीछे आ रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग काम कर रहा है, ठीक है। अब हम वापस उसी तरह से इसको बंद कर देंगे, तो यहाँ पे लग चुका है प्रॉपर, ठीक है। देखिए स्प्रिंग इस साइज़ के लीजिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, सही साइज़ का हो, जो मतलब इस पट्टी के बीच में रहे, इस पर्टिकुलर पार्ट के बीच में रहे, बिकॉज इसके ऊपर बेलो आ जाता है, नीचे भी और ऊपर बेलो का पार्ट आ जाता है। सो आप ध्यान रखिएगा कि उसके बीच में आ जाए और वो फिक्स कर लेते हैं लाइक जैसे पहले थे। ध्यान रहे आपको अपोजिट में लगाना है, आप जिस डायरेक्शन से बजाते हैं उसके अपोजिट में आपको स्प्रिंग लगाना है, ठीक है। आपको मतलब बड़ी सावधानी से, और स्प्रिंग ज़्यादा बड़ा ना हो, इधर उधर ना लगे, वो सही ढंग से आपको कॉपरेट नहीं कर पाएगा हारमोनियम को, ठीक है। आपको
जैसे मैंने आपको दिखाया उसी टाइप का स्प्रिंग हो और ऑलमोस्ट लगभग साइज का भी उसी का हो जो मतलब इसके बीच में आ जाए। अब सारे स्क्रूज प्रॉपरली टाइट कर दीजिएगा ताकि कोई एयर लीक ना हो। स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप कहीं भी बजा रहे होते हैं कहीं ओकेजन वगैरह में या कहीं स्टेज शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बार हाथ छोड़ना पड़ता है और अगर इस पर स्प्रिंग ना हो तो एकदम से अंदर चला जाता है, हवा भी गायब हो जाती है। सो स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि ये लॉन्ग सस्टेन भी इसमें आता है और आप अच्छे से रिकवर करवा कर पाते हैं हारमोनियम को और मतलब हाथ छोड़े या ना छोड़े वो आप पे है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है स्प्रिंग लगाने का। सो इसके चेंजेस में ऑलमोस्ट वैसे स्प्रिंग नहीं होता है लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए है, देख सकते हैं आप। स्क्रूज अच्छे से टाइट कर लीजिएगा क्योंकि एयर लीक का प्रॉब्लम ना आए बाद में, इसलिए आपको स्क्रूज टाइट करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, सो बेसिकली मैंने इसी में लगाया था ताकि आप लोगों को सही कवरेज मिल पाए। लुक देखिए, अब स्प्रिंग लगने से ये अपने आप पीछे आ रहा था, पहले तो ये ऐसे नहीं आ रहा था एंड इसमें हवा भी काफ़ी देर तक रुकेगी अब, जो कि अब ये टाइट हो चुका है ऑलमोस्ट क्योंकि अब ये मैं इस पर पुश नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू।